अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर, ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है देवास में, क्या कुछ कार्रवाई थी सर? देवास ज़िले में वो डेरे चिन्हित किए गए थे जहां आपराधिक प्रवृत्ति के निवासरत हैं, उनका पूर्व का रिकॉर्ड के आधार पर और उनकी लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर डेरों पे दबिश दी गई है, जिसमें करीबन 400 पुलिस जवान और 3 एडिशनल SPs और रही राजपद अधिकारी शामिल थे। करीबन 7 लोगों को राउंड अप किया है और कुछ वाहन भी जब्त किए हैं, मोटरसाइकिल हैं उसमें, उनकी भी तस्दीकात की जा रही है। कितना मसरूख है जब्त हुआ है सर? कुछ तकरीबन अभी आप मान सकते हैं कि करीबन 5-6 मोटरसाइकिल्स हैं इसके अंदर, स्थाई वारंटी गिरफ्तार हुआ है और करीबन 4 लोगों से अवैध शराब जब्त हुई है, उनके भी प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। सर, कितनी टीमें लगी थी यहाँ पर? इसमें हम लोगों ने 3 डेरों में विभाजित किए थी और 3 एडिशनल SP सभी के इंचार्ज बनाए गए थे, और जिसमें कि टोंकर क्षेत्र में ओल्ड और पेपर रमा का डेरा था, साथ ही टोंग खुर्द के डेरे थे और धानी घाटी घाट पिपलिया थाना क्षेत्र में था। तो सर, कितने बजे कार्रवाई हुई थी, किस तरह का? ये देर रात इसकी प्रारंभ की गई थी कार्रवाई, सुबह 4 बजे सभी पार्टियां डिटेल करके और हम लोगों ने इसको। कितने लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं सर जो पूर्व अपराधों में संलिप्त रहे हैं? इसमें जो हमारे थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो गुंडे हैं जिनके कि आपराधिक रिकॉर्ड है और जो अपनी जगह से फरार हैं, सकूनत से फरार हैं, तो उनको हमने सब चिन्हित किया हुआ है, उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो उपस्थित हैं उनके बारे में भी हम लोग उनके रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। सर, पुलिस द्वारा कल एक अभियान चलाया गया था ऑपरेशन प्रहार और उसको लेकर कार्रवाई भी की गई थी सर, किस तरह कार्रवाई की गई थी और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी सर? देवास ज़िलों में कुछ बस्तियां हैं, डेरे हैं जहाँ के निवासी हाईवे पे चोरी, ट्रकों की कटिंग, मोटरसाइकिल चोरी इत्यादि में लिप्त रहते हैं और ये न केवल देवास ज़िले, आसपास के ज़िले बल्कि अन्य प्रदेशों में भी घटनाएं करते हैं। इस बात के दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय पुलिस भी इन गतिविधियों पर नज़र रखती है और कई दिनों से इसमें जानकारी एकत्रित की जा रही थी और जानकारी मिलने के पश्चात इसमें देवास पुलिस की एक बड़ी टीम ने अलग अलग ऐसी बस्तियों पर कार्रवाई की है जिसमें करीब 400 के लगभग का पुलिस बल और 18 हमारे थाना प्रभारी, बाकी अन्य अधिकारी के साथ ही कार्रवाई हुई है, जिसमें कुछ चोरी के सामान भी मिले हैं और कुछ ऐसे आरोपी जो ऐसी घटनाओं में लिप्त रहते हैं वो मिले हैं जिनके विरुद्ध दानी कार्रवाई की गई है। अब आगे भी इन पर नज़र रखा जाएगा ताकि इनकी गतिविधियों को नियंत्रित रखा जा सके। सर, पुलिस द्वारा लगातार जो पंजाब समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रहे, आगे भी इनके जो समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा करके इस पर क्या है? समाज के लोगों से लगातार हमारा समन्वय है और सभी की मंशा ये है कि आपराधिक गतिविधियाँ छोड़ के सभी लोग मुख्य धारा के काम में जुड़े, पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी इत्यादि काम में आए। इस संबंध में हमारी SDOP सोनकच्छ मैडम नोडल हैं, वो लगातार इनसे संपर्क में है, इनके जो समाज के लोगों से और भी बात हुई है, इसमें आगे भी चर्चा हो रही है और इसमें भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अधिकतर लोग या सभी लोग ऐसी घटनाओं को छोड़ के अपना मुख्य धारा के काम में जुड़े। पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा वो सहयोग हम लोग करेंगे, इवन सामाजिक स्तर पर भी जो भी सहयोग अपेक्षित होगा वो किया जाएगा।